काशीपुर की सड़कों पर दौड़ती एक नन्ही सी साइकिल। आज हम उस साइकिल की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि इस बच्चे के जज्बे को सलाम है। जी हाँ, काशीपुर का वो नन्हा बच्चा जिसकी मेहनत के चर्चे चारों ओर है, वो बच्चा जिसने अपने घर वालों का हाथ बटाने की ठानी है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो अपने घर वालों की पूरी मदद करने को भी तैयार है। आज हम उसी बच्चे से मिलेंगे और जानेंगे उसकी पूरी कहानी क्या है, काशीपुर का वो नन्हा साइकिल वाला बच्चा। तो चलिए चलते हैं उसके पास और मिलते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं उस नन्हे बच्चे से जिसकी साइकिल काशीपुर की गलियों में दौड़ती है। मैं बात कर रही हूँ लवी गुप्ता की, जिसकी साइकिल ने काशीपुर की गलियों गलियों में टिफ़िन पहुँचाया। वो बच्चा जिसने कि 7 साल की उम्र से ही टिफ़िन पहुँचाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि मैं अपने घर वालों का हाथ बटाना चाहता हूँ। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसने घर वालों की परिस्थितियों को समझते हुए अपने घर वालों का हाथ बटाना शुरू किया। तो चलिए मिलते हैं लवी गुप्ता से और जानते हैं कि क्या है पूरी कहानी। कैसे हो बेटा? जी मैं अच्छा हूँ, मेरा नाम लवी गुप्ता है एंड मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ। और मैं ये काम जो हमारे टिफ़िन बांटने का है वो मैं 3rd क्लास से कर रहा हूँ। और हमारे घर की कंडीशन पहले भी हमारी ठीक नहीं थी, इस वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स की उस तरीके से मदद नहीं कर सकता, लेकिन जो भी कर सकता हूँ मैं और मेरा भाई कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ हमारे पेरेंट्स के ऊपर कोई परेशानी ना आए, मैं उनकी ऐसी ही मदद करता रहूँ। तो बच्चे के अंदर जज्बा बहुत है और वो पूरी तरह से तैयार है कि मुझे अपने घर वालों का साथ देना है। तो जैसे कि आपने सुना कि उसके मन में एक जज्बा है कि मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ करना है। आज की जनरेशन जो कि आजकल अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, उस बीच में एक ऐसा बच्चा जिसे अपने घर वालों की परिस्थितियों के बारे में सिर्फ पता ही नहीं है बल्कि वो समझता भी है और हाथ बटाना चाहता है। तो बात ये आती है कि कौन कौन इस परिस्थिति को समझता है। आज की ये जो जनरेशन है जो कि हमेशा अपने लाइफ को एंजॉय करने में और खेलने कूदने में बिता देती है, लेकिन उनके लिए ये बच्चा एक मिसाल बन के आया है जिसके जज्बे को सलाम है कि इतनी सी उम्र में उसने इतनी सारी चीज़ों को समझ लिया और पूरी मेहनत अभी से उसने शुरू कर दी है। चलिए बात करते हैं लवी की मम्मी से और जानते हैं कि उनको कैसा लगता है जब इतना मेहनती बच्चा जो है उसे वो अपने सामने देखती है अपने बेटे के रूप में। मैम क्या कहना चाहेंगी अपने बेटे? मेरा बेटा जो है 4 साल से टिफिन बांट रहा है और बहुत पैरों में दर्द रहता है उसका। छोटे बन पर ऑपरेशन भी हो चुका है, जो 2 ऑपरेशन होने थे एक नहीं हो पाया है। और साइकिल से टिफिन बांटता है और पहले स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद टिफिन बांटता है। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित है। मेरा इतना अच्छा बच्चा है जो कि सबकी हेल्प करता है और सबके काम भी आता है, इसीलिए मुझे गर्व है कि मेरा बच्चा इतना अच्छा है और बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। सारा दिन टिफिन लेके जाता भी है, टिफिन बांटता भी है, 4 साल हो गए इसे टिफिन बांटते हुए। मेरा बेटा जो है टिफिन बांटता है, इसके पैरों में दर्द बहुत होता है, कभी कभी तो रात को रोजाना रोता भी है, बहुत रोता है। उससे अभी दर्द खत्म नहीं हो पाया, फिर भी रोजाना स्कूल जाने के आने के बाद फिर मम्मी क्या है लाओ मम्मी टिफिन दो, टिफिन में बांटने जाता हूँ। और रोजाना ही जो है इसी तरीके से इसका दर्द बना रहता है, दर्द खत्म नहीं हुआ है इसके पैरों का। और मैं चाहती हूँ कुछ ऐसी हेल्प हो कि मेरा बच्चा आगे के लिए पढ़ भी पाए और मेरी कुछ आर्थिक स्थिति भी थोड़ा ठीक होनी चाहिए। तो देखा आपने, लवी की माँ को भी उस पर बहुत गर्व है। जहाँ जरा से तकलीफ होने पर बैठ जाते हैं, वहीं पर पैरों में लगातार रोज दर्द बने रहने के बाद भी ये बच्चा जो है अपनी साइकिल दौड़ाता हुआ टिफिन पहुँचाने जाता है और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा है। तो ऐसे जज्बे को सलाम है। और मैं तो यही कहूँगी कि इतनी मेहनत करने वाला बच्चा जो है, कितना जज्बा है इसमें, एक बहुत ही काशीपुर के लिए शान की बात है। मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागिला न्यूज चैनल से मानी गुप्ता के साथ। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।